सिंह रावत विजयी हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 21 दिन तक लगातार ये दिखना चाहिए कि युवा मोर्चा ने आफत मचा दी, रोल मचा दी पूरे जिले। ये आज भारतीय जनता पार्टी जिला रुड़की की जो युवा मोर्चा के संगठन के पदाधिकारी हैं मंडल और जिले के, उनकी आज एक बैठक है, कोई जनसभा नहीं है। और इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, युवाओं के मार्गदर्शक बड़े भाई शशांक रावत जी पहुंचे हैं और उन्होंने युवाओं का मार्गदर्शक किया है। और हमारे लोकसभा के जो हमारे प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वे भी इस सभा में पहुंच रहे हैं। वे युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे और युवाओं में एक जोश भरने का काम करेंगे। जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी यहाँ से बनाया गया है, युवाओं में एक अलग ही जोश है। सभी पूरे रुड़की जिले से, जो संगठनात्मक जिला रुड़की है भाजपा का, देखिए मैं आपको बता दूँ, विपक्ष को लगता है बेरोजगारी मुद्दा है। आपने देखा होगा रोजगार कितने निकल रहे हैं, छोटे से बड़े रोजगार निकले, ब्लॉक स्तर पे गांव-गांव में रोजगार निकल रहे हैं। कुछ दिन पहले संकल्प भारत यात्रा का एक यात्रा चली थी, उसमें युवाओं का जो रोजगार है, जो छोटे छोटे रोजगार सरकार ने देने का कार्य किया है, वो सभी रोजगार हैं। विपक्ष को लगता है कि रोजगार नहीं है, रोजगार बहुत ही ज़्यादा हैं और आगे भी हमारी सरकार रोजगार दे रही है और युवाओं का भी एक अलग ही मार्गदर्शन कर रखा है। देखिए जब कोई सत्ता में आता है और विपक्ष के सत्ता के लोगों पर ऐसा फोड़ता ही है। अब कांग्रेस को इस देश ने दरकनार कर दिया है, देश ने भी और प्रदेश ने भी। आपने देखा हो भाजपा की सरकार रिपीट हुई और रिपीट होने के बाद तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष के पास ना कोई नेता है, ना कोई मुद्दे हैं, ना कुछ है, और वे सिर्फ आरोप है और कुछ नहीं, आरोप प्रत्यारोप भाजपा की एक तरफा लहर है। और सभी सीटें मैं आपको बता दूं कि लोकसभा हरिद्वार बहुत ही काफ़ी बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। देखिए लेकिन जो हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, आप सभी के, हम सभी के आराध्य हैं प्रभु श्री राम, हमारी संवेदनाएं, हमारी आस्था प्रभु श्री राम में है। और एक अपने आप में एक स्फूर्ति आती है, एक नई ताकत, एक जोश आता है जब भी हम जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। तो ये तो एक स्वाभाविक है, हम सभी भारतीय हैं तो हमें हर किसी व्यक्ति को जय श्री राम के नारे लगानी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो हम जय हिंद भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं, हम भारत माता की भी जय बोलते हैं, हम सभी को सब कुछ बोलते हैं। देखिए त्रिवेंद्र जी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ईमानदार और सशक्त उनका कार्यकाल रहा, हम सभी को पता है। तो उनका जैसे अभी आज प्रथम बार वो हमारी युवा मोर्चा की बैठक ले रहे हैं, जो भी मार्गदर्शन दिशा निर्देश त्रिवेंद्र जी की ओर से मिलेगा युवा मोर्चा उसी पे कार्य करेगा। और जैसे ही त्रिवेंद्र जी यहाँ पर आएंगे और अपना उद्बोधन देंगे तो हमें उसमें पता चल जाएगा। तो हरिद्वार की जनता अब मौका देगी ना आदरणीय त्रिवेंद्र जी को कि वो विकास कर सके। तो बहुत कुछ किया उन्होंने, कुंभ का मेले का आयोजन हुआ था, कुंभ के मेले का आयोजन हुआ था, कोविड काल आ गया था लेकिन उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। देखिए अब वो सांसद बन जाएंगे ना, अब वो सांसद बन जाएंगे, जनता के आशीर्वाद से सांसद बन जाएंगे, तो उनको प्रत्यक्ष रूप से देखिएगा। देखिए ये तो उनकी मानसिकता है, ये उनका अपना दृष्टिकोण है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी समाज के लिए या जो भी उनका एक दृष्टिकोण है, क्योंकि इसको आवत जावत ये तो कुछ नहीं है, हम सभी एक देवभूमि के नागरिक हैं तो कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, ये तो हम संविधान हमें वो प्रदान करता है। तो ये बहुत एक अलग दृष्टिकोण है, इसमें मैं बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो युवा मोर्चे का कार्यक्रम रखा गया जो नया अपना जो है अपने प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, तो उनके भाई एक कार्यकर्ताओं को संदेश चले जा भारतीय जनता पार्टी के जन जन तक आवाज, अब की बार हम तो 5 लाख पार का नारा हमने मजबूती से दिया, अब की बार 5 लाख वोटों से जीतना हमें।